जिंदगी तब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब जीवन में कोई इंसान तुम्हें परेशान कर रहा हो, तुम्हारा कोई अपना तुमसे रूठ गया हो, जब तुम्हारा कोई रूठ जाए, तुमसे दूर चला जाए, जब तुम्हारे प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, तुम्हारे रिश्तों में अथवा तुम्हारे पति पत्नी के बीच में कोई संबंधों में खराबी आ जाए, तो ये दो लाइन का मंत्र बता रहा हूँ। दो लाइन कहना गलत होगा, दो शब्दों का मंत्र बता रहा हूँ। इसे केवल 7 बार बोलते ही बोलकर खत्म करोगे और आपका काम हो जाएगा। आपको सीधा विश्लेषण बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पूरे विश्व में तमाम तरीके से आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। लव विद एस्ट्रोलॉजी लव में ही नहीं, रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके अपने रिश्तों को मधुर बनाने में काम कर रही है। हमारे यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च आपके साथ साझा किया जाता है। मैं आपको सीधा स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ, बहुत लंबी बात नहीं करके, कि आपके अपने रिश्तों में अगर कोई समस्या है तो मैं अभी के अभी कह रहा हूँ, अपने रिश्तों में कोई समस्या है, कोई भी ऐसी तकलीफ है, तो अभी कभी नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करो। अपना नंबर पे कॉल करके अपना प्रश्न नोट कराओ, पूछना और बात करना निशुल्क है। अभी कभी इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न नोट करा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में, रिश्तों के बारे में, संबंधों के बारे में, तुम्हारी अपनी पारिवारिक लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ निरंतर कंटिन्यू खूब सारा लाभ हो रहा है। आज मैं लंदन में हूँ, मैं यूके में हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बातचीत करना बंद कैसे करूँ और कैसे इसको रोकूँ, इसलिए मैं तो सड़क पर खड़ा होकर के आनंद से किनारे बैठ कर पूरा विश्व दिखाने की भावना से तुम्हें लंदन दिखा रहा हूँ और यहीं बैठ कर तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। आज की बातचीत में खास बात यह है कि मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कु अंक भाल के, ये तुम्हारी अपनी भावनाओं को बढ़ाने के लिए, तुम्हारे भाग्य कपाट में जो गलत चीजें लिख गई हैं उसको ठीक करने के लिए, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसको भी दिलाने के लिए ये मंत्र काम करेगा। सीधा उपाय की ओर चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहा हूँ, आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। हाँ गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लंदन में हैं। गुरु जी, आपसे मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई थी। गुरु जी मैंने आपके यहाँ पूजा भी कराई और आज मैं खुश हूँ। गुरु जी ढेर सारी खुशियाँ मिलती रहे। धन्यवाद गुरु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें ऐसे ही हमेशा सफल करे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। जीवन भर आपको महादेव आपके साथ खड़ा रहे। मैं उपाय की ओर चलूं, मैं समाधान की ओर चलूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं, नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल कर सकते हो और अपना प्रश्न नोट करा सकते हो। नंबर है 8081426940। नंबर अभी के भी नोट कर लीजिए, ये इंडिया का नंबर है 8081426940। इस नंबर पे कॉल करें और अपना प्रश्न नोट कराएं। पूछना, बताना, बात करना बिल्कुल निशुल्क है। अभी कभी आप बातचीत कर सकते हैं इसके लिए। आज मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों की, हम बात कर रहे हैं संबंधों की। मिश्री में डली की और गुड़ में मिठाई की बात कर रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ, जब रिश्ते मधुर हों तो जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रसन्नता, आनंद, वैभव और श्रृंगार कहाँ है? जहाँ प्रेम है। जब आपस में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान बढ़ता है तो प्रेम दिखता है। जब प्रेम होता है तो आदर और सम्मान बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपके जीवन में तकलीफ और दुख और मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण आपको कोई नहीं चाहने वाला, जब कोई प्रेम करने वाला हो तो उसके लिए कुछ करने का मन करता है। कुछ भी खराब हो गया है रिश्तों में, ये मंत्र बोलना शुरू करिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक मुद्रा बना करके अपने हाथों को ऐसे उल्टा करिए, यहाँ पीछे ले गए और आपस में बांध दिया इस प्रकार से। बांधने के बाद एक मुद्रा ऐसे घुमा कर एक मुद्रा बना लिया। ये एक मुद्रा बना करके जो मैं मंत्र कहने जा रहा हूँ, इस मंत्र को बोलिए। मंत्र है ओम शुभम करो तो कल्याणम।
अपने पार्टनर का, अपने जिसे तुम प्रेम करते हो उसका नाम लो और ये मंत्र बोलो, क्या शुभम करो तु कल्याणम। ये मंत्र 11 बार आपको कम से कम बोलना है। और ये जो मुद्रा आपने बनाई है अपोजिट घुमा करके ऐसे, इस मुद्रा को अपने दोनों नेत्रों में, अपने मस्तक पर, अपने कंठ में, अपने हृदय पर लगाकर, वहीं के वहीं अपने हृदय के पास इस मुद्रा को बिल्कुल ऐसे छोड़कर हाथ जोड़ करके भगवान से अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। ये सिद्ध मंत्र है, ये ताकतवर मंत्र है, ये अपने आप में कीलित मंत्र है, इसको बोलते ही एक एनर्जी क्रिएट होगी। कहते हैं जपास सिद्धर जपास सिद्धर जपास सिद्धर न संशयः। इस मंत्र के जाप करने में संशय नहीं है कि आपका काम हो जाएगा, काम होता ही है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें, आपका जीवन तत्काल ठीक हो जाएगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और खूब अपना ध्यान रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हारी व्यवस्थाएं, तुम्हारी चीजों को ठीक करने के लिए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ संवाद करूंगा, तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा और तुम्हारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। तो खूब बेहतर रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अपना और अपने प्रेमियों का, अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिए। सबकी बड़ाई करिए, सबकी प्रशंसा करिए, सबका नाम लीजिए और सबको अच्छा समझिए, सकारात्मक चिंतन करिए। परमात्मा आपकी मदद करेगा। हर हर महादेव।